हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ KPIT टेक्नोलॉजीज। और इस पार्ट में हम कंपनी के अचीवमेंट्स, रिस्क फैक्टर्स और इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर उसे जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को मैनेजमेंट की एक स्टेटमेंट से शुरू करते हैं जो कंपनी को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। KPIT understands software better than auto industries and auto industries better than software companies। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि KPIT software solutions provide करता है automotive companies को, तो ये software को automotive companies से better समझता है, और जो इनके competitor हैं software companies, ये उनसे auto industry को better समझता है। तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चलता है कि कंपनी अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, और साथ ही साथ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि दे विल ओनली वर्क विथ टॉप 25 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये सिर्फ टॉप 25 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही काम करेंगे, और इन्होंने डी स्पेस के साथ भी पार्टनरशिप कर रखी है फॉर EV चार्जिंग सॉल्यूशन। KPIT ने पाथ पार्टनर को अक्वायर करके अपना सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एक्सपर्टीज को बूस्ट कर दिया है। ये CSIR के साथ मिलकर, मतलब द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ मिलकर, इंडिया की सबसे पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा KPIT के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, लाइक BMW, ईटन, ट्रायम्फ, कमिंस, होंडा एटसेट्रा। तो इन सब चीज़ों से हमें एक चीज़ समझ आता है कि KPIT बहुत सही तरीके से अपना काम कर रहा है। दैट्स वाई दे हैव क्लाइंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो अब तक आप ये जान गए होंगे कि KPIT एक IT कंपनी है जो ऑटो इंडस्ट्री से डील करती है, पर ये जो ऑटो इंडस्ट्री है वो नेचर में थोड़ी साइक्लिकल होती है, मतलब मैक्रो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। अगर कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो जॉब बढ़ेंगे, लोगों की सैलरीज इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ लोगों का डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज होगा। तो जब लोगों का डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाता है तो लोग गाड़ी, घड़ी, ज्वेलरी जैसी चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, जिसके कारण गाड़ियों की सेल बढ़ जाती है और ऑटोमोटिव कंपनीज का रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। पर अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही हो तो गाड़ियों की सेल भी कम हो जाती है, जिसके कारण ऑटोमोटिव कंपनीज का रेवेन्यू भी कम हो जाता है। अगर ऑटो इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगा तो KPIT भी अच्छा परफॉर्म करेगा, पर अगर ऑटो इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो KPIT के ग्रोथ में हमें इसका असर दिख सकता है। ऐसे KPIT तो एक IT कंपनी है जो ऑटो इंडस्ट्री से डील करती है, इसलिए जब इकोनॉमी डाउन ट्रेंड पे होगा तो इसका असर हमें KPIT के ग्रोथ पे थोड़ा दिख सकता है। आप खुद सोचिए, KPIT अभी सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव कंपनीज को प्रोवाइड कर रहा है, पर ये ऑटोमोटिव कंपनीज अगर खुद से या फिर इनहाउस ये सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी बनाने लग जाए तो KPIT को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऑटोमोटिव कंपनीज खुद से ये सॉफ्टवेयर बनाने लग जाएंगे, और अगर बनाएंगे भी तो इसकी क्या गारंटी है कि सारे सक्सेसफुल होंगे। पर ये एक रिस्क तो है जो हमें दिखाई देता है। अगर हम नेक्स्ट रिस्क के बारे में बात करें तो इनका अप्रॉक्स 90% रेवेन्यू नॉन रुपी करेंसी में आता है। अगर रुपी डॉलर के कंपैरिजन में अप्रिशिएट होने लग जाए तो ये KPIT के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, बट इसके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि हम सबको पता है कि रुपी कई सालों से डॉलर के कंपैरिजन में डिप्रिशिएट हो रहा है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि KPIT के क्लाइंट्स दुनिया के कोने कोने से हैं, तो अगर कल को जाकर बॉर्डर में कुछ टेंशन हो जाए, रेस्ट्रिक्शंस लग जाए, जिसके कारण लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होने लगे, तो KPIT के इम्प्लॉयज को दूसरे कंट्री में जाकर अपने क्लाइंट के लिए काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट अच्छी बात यह है कि कंपनी इन सब चीज़ों को समझती है और इस पर काम भी कर रही है, इसलिए ये फोकस कर रहे बिल्डिंग ग्लोबल प्रेजेंस विथ लोकल टैलेंट्स। तो अगर कल को जाकर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता भी है तो कंपनी इन सब चीज़ों को ईजिली मैनेज कर लेगी। लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्री। अगर हम ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर सेगमेंट के बारे में बात करें तो इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10-12%, क्योंकि ये सेगमेंट अभी जाकर लाइमलाइट में आया है और अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, तो कंपनी इजिली इससे ज़्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि जो R&D बजट है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का वो अराउंड 50% सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। पहले जब एक कार बनती थी तो उसमें 27-30% ही इलेक्ट्रॉनिक्स पे खर्च होते थे, बट अब ये माना जा रहा है कि 2030 तक ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पे खर्च होंगे, जो कि बढ़कर 60% भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से हम एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, और ये बहुत ही हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, जिसके कारण IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, AI टूल्स, मशीन लर्निंग एटसेट्रा, ये सब बूम करने वाले हैं। September 21 को इंडिया के मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने यह अनाउंस किया था कि 2022 से इंडिया के सभी कार्स में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मैंडेट होंगे। ये सिस्टम ड्राइवर को ड्राइविंग, पार्किंग और कई सारी चीज़ों में असिस्ट करेंगे। तो धीरे धीरे सारे कंट्रीज ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की तरफ
शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके कारण ये इंडस्ट्री और भी ज़्यादा ग्रो करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंडस्ट्री एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है और अच्छे से ग्रो भी कर रही है। इसका बस एक ही नेगेटिव है कि यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि बहुत सारे आई टी प्लेयर्स इन्वॉल्व है, बट KPIT ने इस इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना रखी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट कंपनी फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस एंड गवर्नेंस। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है कि नहीं, फॉर दैट यू कैन चेक आवर मेंटरशिप प्रोग्राम और पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।